चाट खाना किसको पसंद नहीं है, और चाट को चटपटा बनाती है उसकी चटनियाँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट जैसी चटनी बनाने की रेसिपी, जो अगर आप बना लोगे तो आपके सारे ही चाट बहुत ही चटपटे और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। तो मैं स्वप्नाली प्रधान स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। चलिए बनाते हैं चाट की चटनियाँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। उसके लिए ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 2 कप हरा धनिया, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप पुदीना, जिसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे थोड़ा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे अदरक। तो 1/2 इंच अदरक का डाल रही हूँ मैं इसमें, और साथ ही हम डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्च, जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप रोस्टेड चना दाल डालूंगी मैं, जो आप 2 टेबलस्पून जितनी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जितना हमें डालना है उसमें नींबू का जूस। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च की पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, और उसी के साथ 1/2 टीस्पून हम डालेंगे रॉक सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने से पहले इसमें डालेंगे हम 1 बर्फ़ का टुकड़ा, और फिर इसे हम एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अच्छी कंसिस्टेंसी में ग्राइंड कर लीजिए। और ये देखिए, एक बार हमने ग्राइंड करने के बाद चटनी बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको जैसे पसंद हो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और चटनी का रंग भी आप देख सकते हैं, एकदम हरा और बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1/3 कप खजूर। उसमें उतना ही पानी डालना है और उसे उबाल लेना है। खजूर के बीज जो है वो मैंने सारे निकाल लिए हैं, और इस तरह खजूर सॉफ्ट होने तक मैंने इसे पका लिया है। अब उसे हम अलग रख देंगे, और उसी बर्तन में हम ले लेंगे थोड़ी सी इमली। तो मैंने 1/3 कप इमली ली है, उसमें मैंने करीबन 1/2 कप जितना पानी डाला है, और इसे अच्छे से उबालने के लिए रख दिया है। इमली उबालकर हमें इसका पल्प निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, और 1/4 टीस्पून सौंफ। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ मैंने 5 कश्मीरी लाल मिर्च ली है, उसको मैंने खोल के यानी उसका डंठल निकाल दिया है, और उसके सारे बीज भी मैंने निकाल दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने ड्राई ली है, इसको मैंने भिगोया नहीं है। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, और फिर उसके बाद में इसको ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है, यानी इसका मसाला जैसा बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे खजूर, जो हमने पहले से ही उबाल लिया था, सॉफ्ट कर लिया था, और इसे भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब पतीले में ले लेंगे हम 1/2 कप जितना इमली का पल्प। उसी में हम डालेंगे 1/4 कप गुड़, और इसे सब हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है, और गैस चलाकर गुड़ मेल्ट होने तक हमें इसे चलाना है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ खजूर और जो मसाला हमने पीसा था वो, और उसी के साथ में हमें इसकी टेस्ट जो है वो एक बार करके देखनी है, यानी हमें थोड़ा सा चख के देखना है कि ये बैलेंस हो चुका है या नहीं बराबर। मैंने यहाँ पे चख के देखा तो मुझे लगा गुड़ थोड़ा कम है, तो मैंने 2 टेबलस्पून गुड़ इसमें और डाला, और इसे फिर लगातार चलाया। साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला इसमें, और फिर कंसिस्टेंसी भी आपको एडजस्ट करनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, और थोड़ा लगातार चलाइए ताकि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए, और फिर देखिए आपकी चटनी जो है बनके तैयार है। अब ये देखिए, आपकी चटनी आप किसी भी चाट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।